हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। गुजरात वडोदरा से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बारे अपडेट। गुजरात में दिन रात काम हो रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेके। इंडिया की पहली HSR हाई स्पीड रेल जो कि एक शाहकार बनने को जा रही है, और गुज्जू भाइयों ने दबा के काम किया है। बस मरहट्टी लोगों ने इतना ताबुन नहीं किया इस प्रोजेक्ट को लेके। मरहट्टी से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट, लोग नहीं। खैर, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन है जिसे अब तक चल जाना चाहिए था 22-23 तक, लेकिन ये 2026-27 तक चली गई है अहमदाबाद से मुंबई तक, यानी गुजरात से महाराष्ट्र तक। 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट और कॉस्ट इतनी ज़्यादा कि सर चकरा जाए, 110 लाख करोड़। अब तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ बुलेट ट्रेन को लेकर। यार ये बस होना चाहिए, ये जितना आगे जा चुका है। बहुत इंतज़ार किया है इन दो स्टेट्स के लोगों ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए। वैसे भी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने एक तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया है गांधीनगर से मुंबई तक। मुझे तो लगता है एक दिन वंदे भारत एक्सप्रेस ही इसकी जगह ले लेगी, क्योंकि वो सिर्फ 100 करोड़ रुपए में तैयार हो गई, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए और इसके लिए 1,10,000 करोड़ रुपए। खैर, ये भी ज़रूर बनेगी और ज़रूर चलेगी। एक सजेशन आई थी कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी तैयार हो चुका है, उनके लिए सॉरी है कि अभी तक वो देख नहीं सके। और ये एक और शाहकार, माय फेवरेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो DMIC का हिस्सा है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। 8 लेन का रोड है, 1,350 किलोमीटर। ये तो सच में ट्रांसपोर्टेशन के एक निज़ाम को बदल कर रख देगा। नॉर्थ से वेस्ट तक, भारत की राजधानी से भारत की आर्थिक राजधानी तक करोड़ों लोगों को फ़ायदा देगा। 5 या 6 स्टेट्स में से गुजरेगा। फ़िलहाल 8 लेन बन रहे हैं, लेकिन इसे 12 तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसने आम भारतीयों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने, सड़क के साथ साथ। एक तो पहले नंबर पे जहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है वहाँ की ज़मीन बहुत महंगी हो गई, और उसके बाद यहाँ पे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। और है भी बहुत ज़बरदस्त, और इस प्रोजेक्ट में एक बिल्कुल जंगलात का इलाका भी आता है, और नेचर की ब्यूटी को कायम रखने के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। पुल भी हैं दरियाओं के ऊपर। ये तो वाकई एक शाहकार बन रहा है, और ये तो बनने का करीब भी है, ये कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब ये मोदी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है, $1,500 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम जा रही है, उनमें से एक ये भी है। अच्छा है, और करोड़ों हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ट्रैवल टाइम मुंबई से दिल्ली के दरमियान अच्छा खासा ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट के बाद रेलवे पे बोझ कम होगा। एक दिन इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही कह रहे थे, नितिन गडकरी, कि अब मुझसे लोग शिकायत करने लगे कि आप इतनी अच्छी सड़कें बनाना शुरू हो गए, रेलवे का क्या बनेगा। खैर, 2 किलोमीटर तक का पुल, ज़बरदस्त। अब ये पता नहीं इस पर बाइक अलाउ होगी कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मोटरवे पे बाइक नहीं जाने देते, 4 व्हील से कम ट्रैफिक अलाउ नहीं होती। यहाँ पे अगर बाइक हुई तो फिर उसके लिए कुछ शायद लेन सेपरेट करनी पड़े। ज़बरदस्त मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसे बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। ये उसके पिलर,
इसका बड़ा हिस्सा तो फिर हवा से ही गुजरेगा, उसके लिए पिलर बनाने पड़ते हैं। काफी सारा काम हो रहा है। नर्मदा रिवर के आसपास कहीं पहुंच गए हैं। एक तो कोविड की वजह से इसमें डिले आया है और दूसरा इंटरस्टेट पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन अब इसे तरजीही बुनियादों पर करना चाहिए, नहीं तो इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा हो जाएगी। कई जगह पे काम अच्छे तरीके से भी जा रही है, यहाँ तो पूरा ट्रैक ही बिछ गया है, तकरीबन बेस लग गई है। जापान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसके लिए, 80,000 करोड़ रुपया वो लोन दे रहे हैं सिर्फ 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे। 5,000 करोड़ रुपया दोनों स्टेट्स गवर्नमेंट दे रही हैं और बाकी के पैसे फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। यूं कुल मिला के एक ज़बरदस्त शाहकार तैयार होने जा रहा है। इसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा होगा, 3 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई, दोनों इमर्जिंग सिटी हैं इंडिया के और इकॉनमी को लेकर दोनों ही बहुत अहम हैं, और अहमदाबाद तो फिर मोदी सरकार के लिए कुछ ज़्यादा ही अहम है। हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट का अफ्ताह वहीं से होता है ज़्यादातर। भारतमाला, सागरमाला, बुलेट ट्रेन, ये तो लगती है कोई स्टेशन होगा जितनी ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। शानदार है, बरसों की मेहनत होती है फिर जाके कोई एक कौमी असासा तैयार होता है और बाद में आने वाले लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह के एक चुनाव ब्रिज बन रहे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का, वो बड़ा शाहकार है और वो 2003 या 2004 से शुरू हुआ है और अब जाके कहीं दिसंबर में उसके ओपनिंग का, ऑपरेशनल होने का इम्कान है। बुलेट ट्रेन ने इतना इंतज़ार तो नहीं करवाया, लेकिन फिर भी 2017 में इसका अफ्ताह हुआ था, 2017 में, तो 8-9 साल तो ये भी ले जाएगी। ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार है। इंडिया के दो मेगा प्रोजेक्ट हैं, दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक है, ट्रांसपोर्टेशन से मुतालिक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अपनी अपनी जगह दोनों ही ज़्यादा अहम है, लेकिन जो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये भारत में एक ऐसे इलाके में बनाया जा रहा है जिसके दरमियान भारत की बहुत बड़ी आबादी रहती है और 1350 किलोमीटर का ये रोड एक इंतहाई ज़बरदस्त सहूलियात फराहम करने जाना है आने वाले वक्तों में। 8 लेन की शानदार एक्सप्रेसवे है जिसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकेगा और दिल्ली से मुंबई का फासला 12 से 14 घंटों में तय किया जा सकेगा। इसकी वजह से कारोबार के वसी मौके भी पैदा होंगे और जहाँ जहाँ से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है वहाँ की ज़मीनें भी यकीनी तौर पर महंगे दामों सरकार खरीद रही होगी। ये DMIC का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसके तहत दिल्ली से मुंबई तक एक ऐसी राहदारी बनाई जा रही है जो दोनों अतराफ में कमर्शियल हो जाएगी, इंडस्ट्रियल हो जाएगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के इस खित्ते को यानी नॉर्थ से वेस्ट तक में रहने वाले करोड़ों भारतीयों को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह एक कॉरिडोर लुधियाना से कलकत्ता तक भी है जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने ज़्यादातर फ़ायदे को लेके ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। वो भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, इन इलाकों से गुजरेगा जहाँ पर पसमानगी अभी भी अच्छी खासी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है दोनों प्रोजेक्ट। और अगर बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो वो तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हर भारतीय को, खसूसन गुजरात और महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन बनने जा रही है, पहली हाई स्पीड रेल बनने जा रही है जो 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की रफ्तार से दौड़ा करेगी और अपनी कॉस्ट को लेकर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसे जल्द से जल्द या कम से कम अपने वक्त पे ज़रूर मुकम्मल होना चाहिए ताकि भारतीयों के कीमती पैसे को बचाया जा सके। इससे पहले गुजरात ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शायद इतना जोशो खरोश नहीं दिखाया गया। लेकिन अब बदलते हालात में हम ये कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ज़रूर मुकम्मल होगा और बहुत जल्द भारतीयों को अपने मुल्क में अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान हाई स्पीड रेलवे दौड़ती हुई दिखाई देगी। वैसे कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत की तीसरी लाइन का भी इफ्तिताह कर दिया जो गांधीनगर से मुंबई तक
चलाई जाएगी। तो दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का और कंस्ट्रक्शन का जो एक इरा शुरू हो चुका है वो जल्द अज जल्द अपने अंजाम को पहुंचे। आपकी कीमती रकम का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रश चाहते हैं तो अपनी कीमती रकम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।